हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एवोगैड्रो का नियम के बारे में पढ़ेंगे। एवोगैड्रो का नियम क्या होता है, देखिए। स्थिर ताप व दाब, हम क्या करेंगे, ताप और दाब को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे। बायल में हम ताप स्थिर रख रहे थे और चार्ल्स में हम दाब स्थिर रख रहे थे, मगर एवोगैड्रो में क्या होगा, ताप और दाब दोनों स्थिर रहेंगे। तो डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। क्या बोला मैंने, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक। आप क्या करेंगे, यानी V समानुपाती N, और स्थिर क्या है, स्थिर है ताप व दाब, ठीक। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लाएंगे, तो इस नियतांक K ले आएंगे, N। के क्या है, के बराबर नियतांक। अब यहां पर इस एन को नीचे ले आएंगे, वी बटे एन बराबर के, ठीक है। तो यहां पर फार्मूला बन गया, वी अपान एन बराबर के। तो डेफिनेशन क्या होगी, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम आदर्श गैस समीकरण को पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।